हिंदुस्तान में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया चूड़ी पेशा करती थी और उसका पिता मजदूरी किया करता था। एक दिन टुनटुनी की मौसी उसके घर आती है। अरे ओ टुनटुनी दीदी, आपने टुनटुनी के लिए अच्छा रिश्ता बताने को बोला था ना? एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है, तुम चाहो तो टुनटुनी की शादी कर दो। बहुत बड़ा घराना है, उनके पास बहुत धन दौलत है, अपनी बेटी रानी बनकर रहेगी। लेकिन बबली बहन, उनका काम क्या है, क्या है, किस खानदान से है? तब तक आप लोग कॉमेंट में बताएं 78:1 कितने होते हैं। काम की तो मत पूछो दीदी, उनके एक काम हो तो बताऊं, सैकड़ों काम है, तुम ज्यादा मत सोचो, बस टुनटुनी की शादी की तैयारी शुरू कर दो। अपनी टुनटुनी के तो भाग खुल गए, जो इतने बड़े रईसों के घर जा रही है। जल्दी टुनटुनी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन टुनटुनी के साथ सुंदरी कौवी उसे आवाज लगाती है। अरे ओ महारानी, कितनी देर तक सोती रहेगी, सवेरा हो गया है, जल्दी से उठकर चाय नाश्ता बना कर ला। माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। तू कान खोल कर सुन ले, इस घर में तेरी हैसियत एक नौकरानी की है, सुबह उठकर अपने काम पर लग जाया कर। माँ जी, कल रात से कालू जी घर नहीं आए हैं, कहाँ है वो, दिखाई नहीं दे रही है। तुझे उससे क्या मतलब, मेरा बेटा मॉडर्न है, मना रहा होगा कहीं अपने दोस्तों के साथ पार्टी। तुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जब उसकी मर्जी होगी वो घर आ जाएगा, उसकी चिंता करने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं? मैं उनकी पत्नी हूँ, उनकी चिंता मुझे होगी ना? मैंने तुझसे चाय नाश्ता बनाने को बोला था, जा जल्दी से बना कर ला, कल ही तो इस घर में आई है, अभी से हुक्म चलाना शुरू कर दिया। दुखी मन से टुनटुनी रसोई में चाय बनाने चली जाती है। रात को कालू शराब के नशे में धुत घर लौटता है। ये क्या कालू जी, आपने शराब पी रखी है, आपके मुँह से बदबू आ रही है। माँ, किस गवार से आपने मेरी शादी करा दी है? क्यों रे करमजली, तू मेरे बेटे से इस तरह से बात करेगी? तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि तू इस घर में एक नौकरानी से बढ़कर कुछ भी नहीं। चल हट यहाँ से, मैं अपने बेटे को उसके कमरे में ले जाती हूँ। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूँ, इतने बड़े रईस खानदान में मेरी शादी हुई है, ये सोचकर मैं हंसूं या अपने शराबी पति को देख कर रहूं? ऐसे घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकती, कल ही मैं अपने माँ पिताजी के पास चली जाऊंगी। अगले दिन ही टुनटुनी अपने मायके लौट आती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। उसकी बातें सुनकर टुनटुनी की माँ उससे कहती है, बिटिया अब तेरी शादी हो चुकी है, जैसा भी है अब वो तेरा ससुराल है, तेरे पिताजी कल तुझे लेकर ससुराल जाएंगे और तेरी इस गलती की माफ़ी मांग लेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम कुछ भी कर लो, मैं अपने ससुराल नहीं जाने वाली, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी माँ, मैं आपकी तरह चूड़ी बेच कर अपना गुजारा करूँगी। टुनटुनी बाजार में चूड़ी ले जाकर बेचने लगती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो, सस्ती और रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। टुनटुनी को बाजार में चूड़ियाँ बेचते देखकर उसकी पड़ोसन हरिया काकी उससे कहती है, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ टुनटुनी, तेरी माँ ने जल्दबाजी में तेरी शादी कर दी, उन्हें उस घर के बारे में पता करना चाहिए था, तूने बहुत अच्छा किया जो अपनी मायके चली आई। हाँ काकी, उस घर में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊं, ना कि किसी की गुलामी करके। इस तरह टुनटुनी चिड़िया चूड़ी बेच कर खुशी खुशी रहने लगी। सिस्टम बुझाला ना बुझाला, हमारे एक फोन जाइनू, कल से सिक्योरिटी मांग रहे थे।